वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान आज उन्होंने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पीएम पद की उम्मीदवारी पर भी अपना बयान दिया और कहा कि वो पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं है। बता दें, नीतीश कुमार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। सीपीआई माले सब लोगों के साथ संबंध, और आज नहीं हमारे यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखे हैं कभी, जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। देश में मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात मानी जाती है। ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है।